सो हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल नुजहत द शावर ऑफ आर्ट्स में। और मैं आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ सोलर सिस्टम, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें सन बनाऊंगी, जो कि मैंने कंपास से बनाया है। सन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें ट्राइंगल जैसे विंग्स देंगे, जैसा कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये पेपर स्केल मैंने घर पे बनाया है सोलर सिस्टम के लिए। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होता है, तो हम 8 लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस स्केल से जल्दी से हम 8 लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ कर दिया है। अब हम बनाएंगे प्लैनेट। तो सबसे पहले हम मरकरी बनाएंगे। मैंने यहाँ पे प्लैनेट्स को बनाने के लिए कंपास का यूज़ किया है। आप चाहे तो टेप या फिर और सर्कल वाले ऑब्जेक्ट्स आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे 8 के 8 प्लैनेट बन गए हैं। अब इसको मैं ब्लैक मार्कर से आउटलाइन दे दूंगी, जिससे ये आपको बिल्कुल क्लियर दिखे और सुंदर लगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। अब लाइंस को भी हम आउटलाइन दे देंगे ब्लैक मार्कर से। आप चाहे तो पेंसिल से भी रहने दे सकते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारा अर्थ कौन से नंबर पे आता है, सोलर सिस्टम में कौन से नंबर पे आता है और सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है। मार्कर से आउटलाइन देने के बाद जो एक्स्ट्रा लाइन्स है उसको हम इरेजर से क्लीन कर देंगे, ताकि हमारा जो ड्राइंग है वो बिल्कुल क्लियर लगे। तो जल्दी से फटाफट सा क्लीन कर देते हैं इरेजर से एक्स्ट्रा लाइन को।
जुपिटर के अंदर 8 लाइंस ड्रॉ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्कर। अब वक्त आया है कलरिंग का। चलिए सबसे पहले सूरज को हम येलो कलर से कलर करेंगे और इसमें मैं हाईलाइट देने के लिए ऑरेंज कलर का भी यूज़ करूँगी। इस ड्राइंग को बनाने के लिए मैंने 10 रुपीज़ का डोम्स का कलर यूज़ किया है। मरकरी को मैंने ब्लैक और थोड़ा सा ग्रेइश लाने के लिए मैंने पेंसिल से हाईलाइट किया है। पेंसिल से हाईलाइट करने के बाद अब चलते हैं वीनस को। वीनस को मैंने येलो और उसमें थोड़ा सा हाईलाइट देने के लिए मैंने ऑरेंज का कलर का इस्तेमाल किया है। अब अर्थ, हमारा प्यारा अर्थ, अर्थ को हम लैंड और वाटर दिखाने के लिए, लैंड को हम ग्रीन कलर से करेंगे और वाटर दिखाने के लिए हम ब्लू कलर से यूज़ करेंगे। मार्स को मैंने ऑरेंज और स्किन कलर से थोड़ा सा इसमें हाईलाइट दिया है। जुपिटर को मैंने येलो और ऑरेंज कलर से बनाया है। सैटर्न का मैंने पर्पल और पिंक कलर का इस्तेमाल किया है। यूरोनस को मैंने ब्लू कलर से किया है और नेपच्यून को मैंने डार्क ब्लू से किया है और उसके बाद मैंने लाइट ब्लू से हाईलाइट किया है। क्योंकि कलरिंग कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पे अब मैं प्लैनेट्स के नेम लिख देती हूँ। प्लैनेट के नेम मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख दिए हैं ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। और आप लोगों को मेरा ये ड्राइंग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। और अगर कोई सजेशन देना है वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जाकर #suggestion लिखकर आप सजेशन भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही ब्यूटीफुल ड्राइंग के साथ। और तब तक के लिए सावधान रहे, सुरक्षित रहे, सतर्क रहे।